नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक नई तरह का ऑटोक्लेव आपके सामने लेके आए हैं। ये एक्चुअली प्लाईवुड इंडस्ट्री में वैक्यूम ट्रीटमेंट प्लांट की तरह ये यूज़ किया जाता है। ये ऑटोक्लेव में लोग प्लाईवुड इंडस्ट्री में इसको वैक्यूम ट्रीटमेंट प्लांट ऑटोक्लेव भी बोलते हैं। इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। ये नॉर्मली हमारे वल्केनाइजिंग ऑटोक्लेव और उससे थोड़ा अलग रहता है। इसमें अलग ये चीज़ है कि ये दोनों साइड में खुलता है, आगे पीछे। उसमें मल्टी लोडिंग होती, इसकी साइकिल बहुत फ्रिक्वेंटली रहती है और इसमें प्रेशर और वैक्यूम दोनों चलता है। प्रेशर और वैक्यूम में जैसे कि एक साइकिल अगर 30 मिनट या 40 मिनट की हुई तो इसमें 400 mmHg के आजू बाजू प्रेशर लगता है और उसके बाद में 4 kg के आजू 400 mmHg के आजू बाजू उसका वैक्यूम रहता है और 4 kg के बाद आजू बाजू उसका प्रेशर रहता है। तो ये 30 मिनट के साइकिल में नॉर्मली ये ऑटोक्लेव को मतलब फ्रंट साइड से हम इसको एक बार ओपन करके थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। इसका दरवाज़ा ओपन करते हैं। ये पूरा हाइड्रोलिक से ऑपरेट है, आप देख लो। ये पूरा अभी ये ऑटोक्लेव डिस्पेज के मोड में है, हम उसको डिस्पेज करने जा रहे हैं, बराबर। तो हमने कुछ सामान इसमें रखा हुआ है तो आपको इजीली समझने में थोड़ी तकलीफ रहेगी। ये यहाँ पे ये स्टॉपर रहेगा, ओके। तो ये इसका अंदर का ट्रॉली है। यहाँ पे जैसे ये दो ट्रॉली है एक्चुअली, ये डिस्पेज करने के लिए हमने इसको एक के ऊपर दूसरा रखा है और कुछ आगे सामान भी है जो वहाँ पर साइड पे जाके लगने वाला है। और ये पूरा RCC इंफ्रास्ट्रक्चर करके रखते हैं पूरा आगे और पीछे दोनों साइड में। ये ट्रॉली में क्या होता है, एक सेम टाइम में जब प्रोसेस होती है तब दूसरी ट्रॉली का लोडिंग अनलोडिंग होके ऑलरेडी रहती है। जब बाहर निकालते हैं तब जो ट्रॉली यहाँ पे प्रिपेयर है वो ट्रॉली को अंदर करते हैं। और ये ऑटोक्लेव के आगे और पीछे की साइड में इस तरह का एक विंच लगा रहता है जो मतलब ये ऑटोक्लेव के आगे पीछे हम दोनों साइड में लगाने वाले हैं, बराबर। ये पूरा हैवी है, इसके अंदर जो पूरा लोड रहता है 30-40 टन का वो पूरा कैरी करता है। ये कंट्रोल पैनल के साथ में चलता है और ये काफ़ी हैवी रहता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री का नाम तो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक रेप्यूटेड कंपनी के वहाँ पे ये पूरा इंस्टॉल होने जा रहा है पूरा यूनिट। और ये प्लाईवुड की इंडस्ट्री में बिल्कुल नया कंसेप्ट है वैक्यूम ट्रीटमेंट प्लांट। तो होपफुली ये कुछ एक या दो महीने में ये पूरा प्लांट शुरू हो जाएगा। तो जो प्लाईवुड रिलेटेड लोग हैं उसको ऑटोमेटिकली ये सारी अपडेट मिल जाएगी आपको। ये कलर थोड़ा स्पेशल है इंडस्ट्री के रिलेटेड, ये तो थोड़ा मतलब ख़राब हो रहा है तो दिखने में थोड़ा सा डल लग रहा है अभी, बराबर। तो ये पूरा सेटअप अभी आप इसको थोड़ा ये दरवाज़ा हम बंद करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ये ऑटोक्लेव का बॉडी का एक सीन आपको देख लो, ये पूरा मतलब सेडल के ऊपर माउंटेड रहता है, 4 सेडल के ऊपर। और ये नॉर्मल ये जगह जो रहती है साइड के ऊपर उसमें हम यहाँ पे पीट बनाते हैं जिसमें वो केमिकल ट्रीटमेंट का जो पानी है वो पानी यहाँ पे भरा रहता है। तो यहाँ से हम उसको सक भी करते हैं और वैक्यूम पंप का सिस्टम ये सब कुछ साइड में लगा रहता है, दोनों साइड में डोर रहता है। तो ये हमारा एक साइड से हम ड्रिवन बोल सकते हैं कि मास्टर साइड कंट्रोल पैनल और पावर पैक दोनों साइड में लगता है, ये सब कुछ लगा के हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये अभी हम यहाँ पे ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं इसको। हाँ, इसको बंद कर दो। यस, ओके, ये बंद हो गया सर अभी, बराबर। तो ये दरवाजे में कितना रोटेशन देना है ये सब कुछ मूवमेंट यहाँ पे लॉक की गई हुई है। और ये दरवाज़ा एकदम बिल्कुल फ्री फ्लो है, ये पूरा असेंबली बेयरिंग के ऊपर लोड किया हुआ है। तो मतलब दोनों साइड में मतलब एक ही आदमी से ये ऑपरेशन आराम से हो सकता है दरवाज़ा खोलने का और बंद करने का। इसका जो लेंथ है वो 12 मीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 2.5 मीटर मतलब 8 फीट का है। तकरीबन विनियर का जो लोड है वो विनियर का लोड ऐसा समझ लो कि विनियर का जो स्टैंडर्ड साइज का जो स्टेक रहता है वो 10 और 10, 20 स्टेक रहेगा, ऐसा हम प्लानिंग करके यहाँ पे चल रहे हैं। तो एट ए टाइम 20 प्रोसेस हो गए और 20 के सामने दूसरे 20 रेडी होके इसके अंदर जाएंगे। तो
ये एक नया ऑटोक्लेव हमने बनाया है, तो ये धीरे धीरे इसका मार्केट भी आने वाला है। थोड़ा टेक्निकली इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि ये कंसेप्ट वाइज कुछ नया है और मार्केट में आने वाला है। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री के जुड़े हुए मेरे लोग भी इसमें थोड़ा मतलब इंटरेस्ट लेंगे फ्यूचर में, तो ये वीडियो उसको काफ़ी काम में आएगा। थैंक यू।